हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनुपम फिंसा, वन ऑफ द फेवरेट पेनी स्टॉक ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अनुपम फिंसा जिसके पीछे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी अच्छा चला भी है। 4.56 तक गया था, 4.56 रुपीज़ तक, बट उसके बाद में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया इसके अंदर और अब बाद में ऊपर जाता है थोड़ा सा एंड फिर से गिर जाता है। इसका आज का क्लोजिंग था 3.58 रुपीज़। ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और बार बार नीचे आ जाता है। जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जानेंगे इसका क्वार्टर रिजल्ट कब है और क्वार्टर रिजल्ट कैसा आने की उम्मीद है, बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट इसका अगर अच्छा आया तो ये फिर से काफ़ी फास्ट भाग सकता है। फ्रेंड्स, इसका देखिए फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखें अनुपम फिंसा के, तो PE 23 का है जो कि ठीक ठाक है पेनी स्टॉक के हिसाब से। EPS इज 0.15। अब 3 रुपये के स्टॉक से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो स्टिल पॉजिटिव है, ये बड़ी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.51, डेट भी काफ़ी कम है। और इम्पॉर्टेंट बात ऐसा है फ्रेंड्स, कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। 10:1 मतलब 10 शेयर के पीछे 1 शेयर बोनस मिलने वाला है। उसका SDD अभी डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, बट बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो एक पॉजिटिव बात है कि बोनस भी कंपनी देने वाली है फ्यूचर में, तो वो भी अच्छा कारण है। पर फिर भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक इसका बताता हूँ पास रिकॉर्ड क्या रहा है। दिसंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 60 लाख रुपीज़। जून 2021 में इसका प्रॉफिट था 21 लाख रुपीज़ एंड सितंबर 2021 में प्रॉफिट था 45 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉफिट है एटलीस्ट 45 से 50-60 लाख तक आएगा, तो बहुत ही अच्छा शेयर भाग सकता है। अगर थोड़ा उससे कम आया तो हो सकता है थोड़ी गिरावट भी हो जाए, बट फ्रेंड्स देखिए ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं भाग रहा है कि बिकॉज देखिए आप जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से शेयर नहीं चल रहे, वो इसलिए नहीं चल रहे कि जब तक उसका क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता है लोग हिम्मत नहीं करते बाय करने की, तो वो स्टॉक की मूवमेंट स्लो हो जाती है। जब क्वार्टर रिजल्ट आ जाता है, भले ही अच्छा हो या ख़राब आओ, तो उसमें फिर से मूवमेंट शुरू हो जाती है। एक तो बाइंग शुरू हो जाती है अच्छी, या सेलिंग शुरू हो जाती है, तो कुछ ना कुछ बड़ा वॉल्यूम शुरू हो जाता है। तो अनुपम फिंसा का जो क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो होने वाला है 14th February को, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन। तो जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, स्टॉक नहीं चल रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसको बेच के निकल जाइए और फिर से इसका रिजल्ट आने के बाद अच्छा आया तो इसमें एंट्री कीजिए, या आपको वेट करना है तो आप वेट भी कर सकते हैं 14th February को। हार्डली 8 to 10 days आपको पास करना है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा है तो फिर से अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर ये भी फ्रेंड्स कि मार्केट थोड़ा बेरिश है, थोड़ा वीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों में अभी हिम्मत नहीं हो रही है, और इसका क्वार्टर रिजल्ट का भी अभी डेट डिक्लेयर नहीं होने के कारण भी इसमें लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे। ये सिर्फ अनुपम में नहीं हो रहा है, सिनकॉम में देख लो आप, सिनकॉम में कहाँ पर सेकेंड लग रहा है, वो धीरे धीरे वही कि वही घूम रहा है। बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द क्वार्टर रिजल्ट, तो थोड़ा जब तक ये चलेगा, तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप बेच के निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार यही कहता हूँ, प्रॉफिट बुक करते रहा कीजिए प्लीज़। जब ये 4.56 रुपीज़ पे गया था, जब आपने बेचना चाहिए था, काफ़ी लोग क्या करते हैं और ऊपर जाएगा ये लालच में बेचते नहीं है, और जब शेयर गिरना शुरू होता है या लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो हम बेच नहीं पाते हैं, और फिर लॉस में फिर से आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर वापस आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स, आगे से ध्यान रखिए। जब भी शेयर ऊपर जाता है, भले ही 5%, 10%, 15% प्रॉफिट लेके निकला करो, तो थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि प्रॉफिट तो लिया, बाद में रोना नहीं कि अरे यार मैंने बेचना नहीं चाहिए था, हो गया जो हो गया, प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। प्रिंसिपली आप मन में गांठ बांध लो, आगे से ध्यान रखना। बट एनी वे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा। और दूसरी बात, इसका भी मार्केट अगर चलेगा, और एक ऑप्शन ये भी है, अगर मार्केट में फिर से तेजी आएगी तो फिर से शेयर भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स वेट क्वार्टर रिजल्ट के लिए या मार्केट चलने के लिए अनुपम फिंसा के लिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते, अभी लॉस बुक कर भी सकते हैं, फिर से एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपका बुक करके फिर से आप एंट्री ले सकते हैं अनुपम फिंसा में। चॉइस इज ऑल यूअर्स, यू कैन स्टडी अबाउट इट एंड टेक योर डिसीजन। थैंक यू।